मध्य प्रदेश के सागर के शाहपुर इलाके में हरदौल बाबा मंदिर में चल रहे निर्माण के दौरान दीवार गिर गई। इस हादसे में मलबे में दबने से 8 बच्चों की मौत हो गई है, जबकि कुछ बच्चे घायल हैं। घायल बच्चों को सागर रेफर किया गया है। मौके पर शाहपुर पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से राहत बचाव का काम जारी है। मध्य प्रदेश के सागर के शाहपुर इलाके में हरदौल बाबा मंदिर में चल रहे निर्माण के दौरान दीवार गिर गई और दीवार गिरने की वजह से मलबे में 8 बच्चे दब गए और 8 बच्चों की मौत हो गई है, जबकि कुछ बच्चे घायल बताए जा रहे हैं। घायल बच्चों को सागर अस्पताल में रेफर किया गया है। मौके पर शाहपुर पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से राहत बचाव का काम किया गया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं सागर मध्य प्रदेश से, जहां पर मंदिर के निर्माण के दौरान एक दीवार गिर गई और दीवार के मलबे में दबने से 8 बच्चों की मौत हो गई और कई बच्चे घायल हो गए। स्थानीय पुलिस और जो स्थानीय लोग थे उनकी मदद से राहत बचाव का कार्य यहां पर किया गया। तो ये खबर मध्य प्रदेश के सागर से है, जहां शाहपुर इलाके में हरदौल बाबा मंदिर में चल रहे निर्माण के दौरान दीवार गिर गई और मलबे में दबने की वजह से 8 बच्चों की मौत हो गई है। मध्य प्रदेश के सागर से यह खबर इस वक्त सामने आ रही है। कई बच्चे घायल हुए इस हादसे के बाद। घायल बच्चों को सागर रेफर किया गया, जहां उनका इलाज जारी है। देखिए, सागर में मंदिर निर्माण के दौरान एक दीवार गिर गई और उसके मलबे में दबने की वजह से 8 बच्चों की मौत हो गई है। मध्य प्रदेश के सागर से यह खबर सामने आ रही है। कई बच्चे घायल हैं। घायल बच्चों का सागर के एक अस्पताल में इलाज जारी है और यह भी जानकारी मिल रही है कि शाहपुर पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से यहां पर राहत बचाव का कार्य किया गया। ये पूरा मामला शाहपुर इलाके में हरदौल बाबा मंदिर में चल रहे निर्माण के दौरान दीवार गिर जाने की वजह से हुआ है और 8 बच्चों की मौत हुई है। ये मध्य प्रदेश के सागर से खबर आ रही है। हरदौल बाबा मंदिर में निर्माण के दौरान दीवार गिरने की वजह से 8 बच्चों की मौत हुई है, कई बच्चे घायल हुए हैं। तो देखिए, मध्य प्रदेश के सागर के शाहपुर इलाके में हरदौल बाबा मंदिर में चल रहे निर्माण के दौरान दीवार गिर जाने की वजह से यह हादसा हुआ है। अनुराग द्वारी हमारे सहयोगी सीधे जुड़ रहे हैं इस खबर पर। अनुराग, क्या वजह रही और अभी तक तो जो प्राथमिक जानकारी मिल रही कि दीवार गिरने की वजह से यह हादसा हुआ है, तो क्या वहां पर उचित कदम नहीं उठाए जा रहे थे सुरक्षा के, जब कोई निर्माण कार्य चलता है? देखिए, अभी तो इस बारे में कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगी। सावन में दरअसल कई शिवालयों में सावन के महीने में शिवलिंग बनाए जाते हैं। एक धार्मिक आयोजन था और इस दौरान दीवार गिर गई है मंदिर की, जिसमें इस दुखद हादसे में लगभग 9 बच्चे वहां पर थे, जिसमें से 5 के मौत की पुष्टि हो गई है। लेकिन कुछ अपुष्ट सूत्र ये भी बता रहे हैं कि 8 बच्चों की वहां पर मौत हो गई है और ये शाहपुर का मामला है सागर जिले के, और वहां पर यह हादसा हुआ है दुखद हादसे में, जिसमें से अब लगभग खबर ये आ रही है अपुष्ट सूत्रों से कि 8 की मौत हुई है। हालांकि अभी तक आधिकारिक सूत्र 5 की पुष्टि कर रहे हैं। तो बहुत ही दुखद हादसा है, क्योंकि कल ही रीवा जिले में हमने देखा था कि कैसे एक दुखद हादसे में 4 बच्चों की मौत हो गई थी, जब स्कूल से वापस लौट रहे थे और स्कूल के बाहर एक मकान की जो एक क्षतिग्रस्त दीवार थी वो गिरी और इसमें इन बच्चों की मौत हुई है। मध्य प्रदेश में अब तक जितने भी मामले हुए हैं उसमें देखा जाए तो लगभग 200 से ज्यादा लोगों की बारिश की वजह से कहीं कोई रपटे में बह गया, कहीं कोई दीवार ढह गई, और ऐसे हादसों को मिला करके अब तक 4 अगस्त तक लगभग 200 लोगों की मौत हो गई और 600 से ज्यादा मवेशियों की भी मौत हुई है। तो पूरे राज्य में से इस तरह की खबरें आ रही हैं, क्योंकि पूरे राज्य में अब तक 14% औसत से ज्यादा बारिश भी हो चुकी है और अगले 3 दिनों में भी पूरे प्रदेश में मानसून के सक्रिय रहने का अनुमान है। आज भी लगभग पूरे मध्य प्रदेश में कई जगहों पर भारी बारिश हो रही है और कई जगहों पर बारिश सामान्य तौर पर भी हो रही है। जो भी सिंचाई के डैम है वो 60-80% तक भर चुके हैं। लेकिन इन सब के बीच जो दुखद खबर है वो ये है, मैं फिर से अपने दर्शकों के लिए दोहरा दूं कि इस मॉनसून के इस सीजन में अभी तक 200 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, 641 से ज्यादा मवेशियों की मौत हुई है,
206 से ज्यादा मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं और लगभग 2500 मकानों में आंशिक रूप से भी हानि हुई है। बहुत शुक्रिया अनुराग। अनुराग ने बताया कि 5 बच्चों की मौत की पुष्टि हुई है, लेकिन जो उन्हें जानकारी है उसके मुताबिक 8 बच्चों की मौत अभी तक हो गई है, जिसकी पुष्टि होना बाकी है। बहुत ही दुखद हादसा मध्य प्रदेश के सागर में ये हुआ है।